अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक दफ़ा फिर से दुबई प्लाजे में एबीएन ट्रेडर शॉप पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर मैं आपको आईपैड और टैबलेट्स वगैरह जितने भी हैं उनकी प्राइसिंग बताता हूँ कि आजकल मार्केट में कौन से आईपैड या टैबलेट्स अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस क्या चल रही है। तो मेरे साथ हैं खुर्रम भाई, उनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से आईपैड और टैबलेट्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइस क्या चल रही है। खुर्रम भाई बताएं, सबसे पहले ये जो एप्पल का आईपैड बड़ा पड़ा है जी जी, इसका साइज़ क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस बता दें। इसमें इसका साइज़ है 12.9 और ये आईपैड प्रो है 12.9 सेकंड जनरेशन का। ठीक है ठीक, इसमें 256 GB स्टोरेज है और 12.9 इसकी स्क्रीन है और 2017 का ये मॉडल है। ठीक है, मतलब तकरीबन 13 इंच डिस्प्ले है इसका। हाँ जी, और 256 GB मेमोरी है और ये नॉन सेलुलर है, यानी सिम नहीं लगती। सिम इसमें नहीं लगती, नहीं लगती। वाईफाई पर चलाना पड़ेगा, वाईफाई पर चलता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस अभी चल रही है? ये आपको मतलब मार्केट में इसकी 1,10,000 1,05,000 कीमत है, लेकिन हम लोग आपको ये 90,000 तक 90,000 का मिल जाएगा। अच्छा, इनकी रैम वगैरह कितनी होती है? इसमें रैम 4 GB होती है, 4 GB रैम इसमें, 4 GB रैम होती है और 256 GB स्टोरेज है इसकी। ठीक है, और डिस्प्ले तो मेरे ख्याल में IPS पैनल होगा। IPS हाँ जी इनके। ठीक है, अच्छा ये छोटे वाला जो है ये कौन सा है? मिनी फोर है, आईपैड मिनी फोर है, ये 32 GB है। ठीक है, और आईपैड मिनी फोर में 2 GB रैम होती है। अच्छा, और 8 इंच इसका डिस्प्ले होता है। इसकी प्राइस जो है वो मार्केट में 35,000 से 40,000 तक होती है, हम लोग आपको 32,000 तक 30,000 में ये मिल जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद ये आगे आ जाता है iPad Air। ठीक है, iPad Air जो है ये भी 2 GB रैम के साथ होता है और ये 10 इंच डिस्प्ले है इसका, 10 इंच में। ठीक है ठीक है, ये आप ये हम नॉर्मली जो मार्केट में सेल होता है ये तकरीबन राउंड अबाउट 34 से 37, 36 ठीक है, ये 32,000 तक हम लोग। और इसकी रैम कितनी होती है? इसमें 2 GB रैम होती है और इसके भी IPS मेरे ख्याल में सब में पैनल होता है। हाँ जी, इनमें सब में IPS होते हैं। ठीक है, ये सैमसंग अच्छा, का जो इसके बाद ये सैमसंग का है, पेन के साथ है ये। हाँ जी, ये स्टाइलिश ये है iPad S6। ठीक है ठीक है, ये 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ है, इसके साथ पेन स्टाइलिश भी होता है। ठीक है, और बिल्कुल ये लेटेस्ट मॉडल है, अप मॉडल है। ठीक है ठीक है, एंड्रॉयड 11 के साथ 11 तक सपोर्टेड है ये। सिम वगैरह लगती है इसमें? सिम नहीं लगती, सिम इनमें होती हैं लेकिन वो नॉन PTA अप्रूव होती हैं क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं। मतलब अगर PTA अप्रूव हम करा लेते हैं तो चल जाएगी? हाँ जी, फिर चल जाती है। ठीक है जी, सिम इसमें वैसे होती है लेकिन हम लोग नॉन PTA देते हैं, हम लोग विदाउट सिम करके बेचते हैं। ठीक है, तो इसकी कीमत जो है वो 85,000 से 90,000 है मार्केट में, हम लोग आपको ये फाइनल जो है वो लास्ट वो 78,000 तक 78,000 में मुझे। कैमरा वगैरह कितना है इनका? कैमरे की स्पेसिफिकेशन का आइडिया नहीं होता, बट ये है कि कैमरे इनके अच्छे स्पेक्स में होते हैं, वो नेट पे देखना चाहें तो S6 जो टैबलेट है उसका आप नेट पे देख सकते हैं। ठीक हो गया ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला कौन सा मॉडल इसका है? ये लिनोवो का है P11 Plus, ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, ये बैक से कैसा है? कुछ बहुत अच्छा टैबलेट है ये, बिल्कुल लेटेस्ट, ये 21 ईयर का है, 2021 है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक ये 6 GB और 128 GB है, ठीक है, और एक आता है इसमें 8 GB और 256 GB। ठीक है ठीक है, दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। जो 6 GB 128 GB है वो 52,000 का मिलेगा। ठीक है, और ये ब्रांड न्यू की कीमत 82,000 है। ठीक है, ये भी ब्रांड न्यू है, जस्ट बॉक्स ओपन है। ठीक है, और इसमें जो 8 GB 256 GB वाला है वो आपको वो 1,08,000 रुपये का ब्रांड न्यू है, वो हमारे से आपको मिल जाएगा 63,000 का। ठीक है, 63 का। ठीक है जी, वो भी अवेलेबल है। इसके बाद ये इसका लिनोवो का ही है, M10 Plus है ये। ठीक है ठीक है, इसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है। ठीक है ठीक है, इसमें जो 4 GB 64 GB के साथ है वो आपको 30,000 में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टैबलेट है ये। अच्छा, इनकी डिस्प्ले वगैरह कैसी होगी IPS पैनल के डिस्प्ले साथ? डिस्प्ले अब ये सब IPS से आ रहे हैं क्योंकि ये जो 2018 के बाद टैबलेट आए हैं सब के IPS पैनल आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसका सैमसंग का है, ये सैमसंग का बहुत अच्छा मॉडल है, ये A7। ठीक है, सैमसंग का A7 है ये, इसमें A7 और A8 दोनों अवेलेबल है हमारे पास, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ है। ये हम लोग नॉर्मली जो है इसका मार्केट प्राइस 35,000 के राउंड अबाउट है, बट हम लोग 32,000 तक इसको बेच रहे हैं। ठीक है ठीक है जी, 32,000 में मिल जाएगा, जस्ट लाइक न्यू है ये। ठीक है, इसके बाद ये लिनोवो का है M10। ठीक है, ये 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी 2020 का मॉडल है, बहुत अच्छा टैबलेट है। ठीक है, IPS पैनल के साथ है, HD रेजोल्यूशन है इसकी। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, ये 20,000 का है बट हम लोग 17,500 तक
ये आपको दे देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जिसमें ये एक मॉडल है कुवा ब्रांड का है, ये जैपनीज टैब है ये, ठीक है बहुत अच्छा टैबलेट है, 2GB और 16GB स्टोरेज के साथ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर आते हैं, वाइट, ब्लैक और ये पिंक, ठीक है। ये 11,000 में मिल जाएगा, 11,000 का, ठीक है। बहुत अच्छा स्मार्ट, इनमें कोई सिम वगैरह का है ऑप्शन? नहीं, सिम जिसमें भी होगी वो पीटीए प्रूव करानी पड़ेगी। वैसे लगती है कि नहीं लगती इसमें? इसमें नहीं लगती, नहीं लगती इसमें, नहीं लगती, ठीक है जी, ठीक है। बहुत अच्छा स्लिम टैबलेट है ये, और प्राइस में भी बहुत रिजनेबल है, ठीक है। हमारे बच्चों वगैरह के लिए तो ये बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद ये एक सैमसंग का है, ठीक है ये 2GB और 32GB के साथ है, 8 इंच डिस्प्ले के साथ है, ये भी एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 18,000 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा ये एक हमारे पास है डी टैब, ये हुआवे का होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें 3GB रैम और 16GB स्टोरेज होती है, ठीक है। ये 17,000 का है, 8 इंच डिस्प्ले है इसका, बहुत अच्छा पैनल है इसका भी। और इसके साथ ही ये सैमसंग का एक और वेरिएंट है, ठीक है, ये भी 2020 का है, टैब A7 8 इंच का, ठीक है, 3GB 32GB के साथ है। इसकी क्या प्राइस है अभी? ये आपको इधर मार्केट में वैसे इसका रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारे से आपको 26,000 का मिलेगा, ठीक है, 26,000 का मिल जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है जी। इसके बाद ये एक बहुत अच्छी आइटम है हमारे पास, ये LG का है, सही है, ठीक है जी। तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? LG का है ये 4GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ है, ठीक है। ये 30,000 इसकी प्राइस है, 30,000, बहुत अच्छा पैनल है ये, ठीक है, बहुत अच्छी डिवाइस है। इसके अलावा एक और ये हमारे पास है जैपनीज, ये भी डी टैब है, ये भी हुआवे का है, ठीक है, डोकोमो में, हाँ जी। ये 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ है, ठीक है इसकी प्राइस 20,000 रुपये, सही है, बहुत अच्छी डिवाइस है ये भी, ठीक है। ये सारी जितनी भी टैबलेट आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी वो हैं जो ओरिजिनल ब्रांडेड टैबलेट है, ठीक है। लोकल टैबलेट हम लोग सेल ही नहीं करते, सारी जेन्युइन टैबलेट होती है हमारे पास, जो बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, ठीक हो गया। रीफैबिश भी नहीं होती, रिपेयर्ड भी नहीं होती, और जो पैनल इनके चेंज होते हैं वो चीज़ हम लोग नहीं सेल करते, मतलब जैसे आती है एज इट इज़ होती है, एज इट इज़ होती है, ये ओरिजिनल कंडीशन में होती है, ठीक है। तो आप अगर बंदा कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहे तो डिलीवर वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, डिलीवर वो इस सूरत में हम लोग करते हैं कि पेमेंट हमें ऑनलाइन कर दी जाए, तो फिर हम लोग OCS या TCS वगैरह उनके एड्रेस पे कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन टैबलेट्स में से कोई भी अगर आप परचेज करना चाहो तो शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप शॉप से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो और शॉप पर विजिट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।